आँख से अंधी है, अच्छा, मेरे बेबी विकलांग है, मुझे गवर्नमेंट 1000 रुपया महीना देते हैं, मियाँ और बीबी को 1000 बताओ, मैं खर्चा चला लूंगा। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी लोग कैसे हैं, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर के, दुर्गा मंदिर के पास हैं, जो कि दोस्तों ऐसे पैसे से हम ई रिक्शा चलाते हैं, और ई रिक्शा इस समय बनारस में बार कोडिंग वाला सिस्टम जो कि अभी चल रहा है, जिसके विरोध में जो कि हम लोग खड़े हुए हैं, और सरकार से अपील हम लोग कर रहे हैं कि ये बार कोड वाला सिस्टम न लगाएँ, क्योंकि इससे हम लोग का परिवार नहीं चल पाएगा। 2 किलोमीटर के रेंज में गाड़ी चलाने से कोई भी हम लोग को जो कि फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए हम सभी लोग जो कि शास्त्री घाट पर इकट्ठा हो रहे हैं, और वहां पर जो कि हमारे जो कार्यकर्ता जो हम लोग के मेन हैं, मुख्य हड़ताल जो किए हैं, वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो हमारे कुछ टोटो चालक भाई जो कि यहाँ पर हैं, और सभी गाड़ियों को रुकवा कर, और जो कि सभी लोग जा रहे हैं पहुंच रहे हैं। तो आइए राजेश भाई से जानते हैं। तो राजेश भाई बताइए, ये सब किस लिए हो रहा है, मतलब किस कारण से हो रहा है? देखिए ये सब जो भी हो रहा है, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, और हम सभी ड्राइवर भाइयों को आज इस कटघरी पे ला करके छोड़ दिया कि एक दिन हम लोग को भीख मांगना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, और हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, अब अगर एकजुट नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। हमारे मांग बस खाली एक ही है कि हम बारकोड नहीं लगाएंगे। अगर हम बारकोड लगा लेंगे तो हम लोग साइड सीन नहीं करा पाएंगे। हम लोग साइड सीन का मतलब समझिए, साइड सीन का मतलब समझिए, साइड सीन में क्या होता है? साइड सीन में हम लोग काशी दर्शन कराते हैं, ठीक है, यात्री को सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, उनको अपने बनारस के बारे में, बनारस के कल्चर के बारे में, बनारस के मंदिरों के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम लोग साइट सीन कराते हैं, और हमसे यात्री भी खुश रहते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग बारकोड लगा लेंगे तो हम लोग काशी दर्शन नहीं करा पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे ड्राइवर भाई भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम बारकोड का बहिष्कार कर रहे हैं। तो 2 किलोमीटर ही चलने दे रहा है ऐसा सुन? 2 किलोमीटर वो भी अंडर पास चलना होगा, मतलब आप रोड पे नहीं चल सकते, गलियों में चलना होगा, गलियों में चलना होगा, और आप 2 पैसे के मोहताज हो जाएंगे। इसलिए बारकोड का बहिष्कार करिए आप सभी लोग, आज शास्त्री घाट किसी भी हालत में पहुंचिए। अगर आप लोग अपनी एकता दिखाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। चलिए तो जरूर हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर और चला जाए शास्त्री घाट। देख सकते हैं सभी जो कि टोटो यहाँ पर जो कि खड़े कर दिए हैं, जितने भी टोटो चालक हैं, और कुछ टोटो चालक जो कि बाइक से भी आए हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो कि आपको मणि मंदिर और गोधाम के बीच पे जो कि सभी लोग टोटो रुकवा रहे हैं, और सभी लोग इकट्ठा होकर के जा रहे हैं। तो यही हालात रहा अगर दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आए बिना ही आदमी मरेगा। और मोदी सरकार जो हम लोग के लिए ई रिक्शा निकलवाए थे मोदी जी, आदरणीय श्री मोदी जी, उस पर इस समय ऐसी कार्यवाही हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही क्या मैं बताऊं, लफ्ज नहीं है दोस्तों। अब बताइए अगर दिन भर में जो व्यक्ति 800 रुपया कमा कर घर परिवार चलाता है, जो किराए पर रहता है, जो सब चीज़ खरीद के खाना पड़ता है, यहाँ तो कोई खेती तो दोस्तों हो नहीं रहा है कि हम लोग गड्ढा खन के तो बस धान चावल उगा रहे हैं, तो इसी प्रकार से ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे बताऊँ दोस्तों। अब सभी लोग डीएम कार्यालय के पास हम लोग चलेंगे, और वहाँ पर जाने के बाद अपील किया जाएगा डीएम सब से, जो कि ये चीज़ हटवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते तो बोलिएगा। तो देख सकते हैं जो कि ये पूरा जो कि इनका हाथ और पैर दोनों की काम नहीं करता है, और ई रिक्शा जो कि बेचारे मेहनत करके अपना 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करते हैं दोस्तों, और इनके परिवार में लड़की दोनों आँख से अंधी है, अच्छा, मेरे बेबी विकलांग है, मुझे गवर्नमेंट 1000 रुपया महीना देते हैं, मियाँ और बीबी को 1000 बताओ, मैं खर्चा चला लूंगा। वही बात है ना, नहीं चलेगा। 5 किलो राशन सरकार हमको दे रही है 1 महीने में, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, 5 किलो में हमारा मिलेगा खर्चा चलेगा? मैं मेहनत करता हूँ दोस्त, देख सकते हैं अगर बार कोड वाला ऐसा सिस्टम कर देंगे तो बताइए इन लोग कहाँ जाएंगे, सभी लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे हालात में कौन सा काम कर सकते हैं आखिर में? टोटो छोड़कर कौन सा काम करेंगे, गली में चलाएंगे, गली में कितना ही कमा लेंगे, ज्यादा कमाएंगे 200 रुपया में घर परिवार चलेगा?
400 रुपए मुझे देना पड़ता है मालिक को। मालिक को भी देखिए, 400 रुपया रोज देता हूँ श्रीमान जी, 400 रुपया रोज देता हूँ मालिक को। मैं मेहनत करके 400 रुपया देता हूँ मालिक को। मालिक को मैं 400 रुपया देता हूँ श्रीमान जी। देख सकते हैं आप, बोल रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है, हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये बताइए, जो टोटो चालकों भाई को टोटो बंद हो जा रहा है, और ये गरीब लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे? ये मोदी चाचा ने गाड़ी दिया था, आज वही गाड़ी छीन रहे हैं। काहे के लिए? आज रोजगार देने के लिए दिए थे ना, जो रोजगार नहीं है जिनके पास, उनको टोटो दिया जाए। आज जो भी लोग सुधार किए हैं, अपने तरीके सुधार किए हैं, चलना चाहिए। ये लोग क्या करेंगे ये बताइए, ये कहाँ जाएंगे बेचारे लोग जो विकलांग हैं? अब हमको इनका जवाब दीजिए, ये विकलांग लोग कहाँ जाएंगे? हमको इनका जवाब चाहिए, जो विकलांग हैं वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, टोटो बंद हो जाएगा तो? हमको बस इसका जवाब चाहिए कोई भी हाल में। तो चलिए, आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, अब जो भी होगा सरकार फैसला जो की करेंगी, ठीक है? आपका मालिक के लिए फोन लगा दो, संजय मालिक। आइए गाड़ी किनारे कर लीजिए, मेरे मालिक के लिए फोन लगा। देख सकते हैं जो कि ऐसा हालात बना हुआ है, पहले से ही PSC यहाँ पर जो की इकट्ठा हो चुका है, जो कि यहाँ पर सभी लोग प्रदर्शन करते हुए जो कि आएंगे, इसी वजह से यहाँ पर पहले से PSC जो कि लगा दिया गया है। दुर्गा कुंड एरिया में जो कि ये गुरुधाम चौराहा है, यहाँ पर पहले से PSC लगा दिया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों, आखिर में सही बात है, गरीब कहाँ जाएंगे भाई? ये सभी रिक्शा दो दो लाख रुपया लगाकर जो कि रिक्शा खरीद रहे हैं, कितना मेहनत से खरीद रहे हैं भाई। कोई भी काम नहीं था 2014 से पहले, सभी लोग जो कि बेरोजगार जो कि बैठे हुए थे, यही टोटो का एक जो कि स्रोत था, जो कि हम लोग कमा खा रहे थे, उसमें भी पानी जो कि फेर दिया गया है। तो 2 किलोमीटर के बनारस कितना बड़ा है, ये 7 किलोमीटर के अंदर में जो कि पूरी बनारस आता है दोस्तों, 7 किलोमीटर के बाद बनारस पूरा ख़त्म। तो उसमें आप लोगों को दो किलोमीटर सिर्फ मिल रहा है चलाने के लिए, तो 2 किलोमीटर में आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, अपना अपना राय जरूर, आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग हमारे ई रिक्शा ड्राइवर चालकों के साथ आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही आप लोगों का भरोसा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।